हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन का कैश इन फेल हो चुका है, और शील्ड रिटर्न के बारे में, और आज के बड़े मंडे नाइट रॉ के हाइलाइट्स के बारे में भी। दोस्तों, मेरे पास बहुत बड़ी एंड एक्सप्लोसिव न्यूज है जो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। द शील्ड आर बैक ऑन रॉ और उन्होंने मचाया है डिस्ट्रक्शन। क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट फेल कर लिया है, यह हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले मैं आपको आज के रॉ के रिजल्ट्स बता दूं। बॉबी लैशली ने हराया कांस्टेबल बैरॉन कॉर्बिन को। राइट स्क्वाड ने हरा दिया साशा बेली एंड एम्बर मून की टीम को। डीन एम्ब्रोस ने हरा दिया डॉल्फ जिगलर को। इलायस ने हरा दिया कर्ट हॉकिंस को। ऑथर्स ऑफ पेन ने हरा दिया टाइटस वर्ल्ड वाइड को। फिर हमें एक एक्सप्लोसिव सेगमेंट देखने मिला बिटवीन रॉन्डा राउजी एंड स्टेफनी मैकमैन, जहां पर रॉन्डा राउजी ने स्टेफनी मैकमैन पर अटैक किया। फिर स्कॉट डॉसन ने हरा दिया बो डैलस को। फिर डैश वाइल्डर ने हरा दिया कर्टिस एक्सेल को। और फिर दोस्तों, इन द मेन इवेंट एक जबरदस्त मैच में रोमन रेंस ने हरा दिया फिन बैलर को और रिटेन किया अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप सक्सेसफुली इन हिज फर्स्ट यूनिवर्सल टाइटल डिफेंस। पर उस मैच के दौरान ब्रॉन स्ट्रोमैन की म्यूजिक बजती है और वो रिंग के बाहर खड़े होते हैं, और फिर रोमन रेंस के मैच जीतने के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन रिंग में आते हैं और रोमन रेंस को किक करते हैं और फिर उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करते हैं। और फिर दोस्तों, शॉकिंगली द शील्ड की म्यूजिक बजती है और फिर वो आ जाते हैं अपने ब्लैक गियर में। क्राउड एकदम से शॉक हो जाती है और इरप्ट हो जाती है। और फिर बाद में हमें द शील्ड का अटैक देखने मिलता है ऑन ब्रॉन स्ट्रोमैन। फिर डीन एम्ब्रोस अनाउंसर्स टेबल को रेडी रखते हैं फॉर अ ट्रिपल पावर बॉम्ब। पर ब्रॉन स्ट्रोमैन थोड़ी सी फाइट दिखाते हैं, पर रोमन रेंस उनको स्पीयर देकर नॉकआउट कर देते हैं। और फिर तीनों शील्ड ब्रदर्स ब्रॉन स्ट्रोमैन को ट्रिपल पावर बॉम्ब दे देते हैं ऑन द अनाउंसर्स टेबल। तो दोस्तों, यहाँ पर सबके मन में ये सवाल है कि क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन का कैश इन फेल हो गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि कल के समर स्लैम में भी ब्रॉन स्ट्रोमैन का कैश इन नहीं हो पाया ब्रॉक लेसनर की वजह से, और फिर आज रॉ में उनका कैश इन नहीं हो पाया द शील्ड की वजह से। काफी अनफॉर्चुनेट रहे हैं मिस्टर मॉन्स्टर इन द बैंक। तो क्या शील्ड की अटैक की वजह से ब्रॉन स्ट्रोमैन का मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन फेल हो गया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने तो कैश इन कर दिया था, पर ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस रोमन रेंस के मैच के लिए बेल बजी ही नहीं। इसका मतलब यह है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन का कैश इन एक्चुअली हुआ ही नहीं, क्योंकि मैच स्टार्ट ही नहीं हुई। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कल अनाउंस कर दिया था समर स्लैम में कि वो अपना मनी इन द बैंक कैश इन यूनिवर्सल चैंपियन के फेस टू फेस करेंगे। तो फिर दोस्तों, ब्रॉन स्ट्रोमैन को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा फॉर द राइट टाइम टू कैश इन ऑन रोमन रेंस। तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन का कैश इन फेल नहीं हुआ है, वो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट स्टिल ब्रॉन स्ट्रोमैन के पास है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में दो चीजों के बारे में बताइए। फर्स्ट, आपको कैसे लगी शील्ड की एंट्री और उनका डिस्ट्रक्शन, और सेकंड, आपको कैसे लगी आज की मंडे नाइट रॉ। सो गाइस, प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।